अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर भी एंथैल्पी कई प्रकार के होते हैं, ये हमने जाना। यदि हम अभिक्रिया की एंथैल्पी को मानक तापमान यानी 298 केल्विन टेम्परेचर एवं एक वायुमंडलीय दाब पर काउंट करेंगे तो जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम डेल्टा एच से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन यदि इसे हम मानक अभिक्रिया की एंथैल्पी के रूप में देखेंगे तो वह हो जाएगा डेल्टा आर एच। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया एंथैल्पी है लेकिन मानक अवस्था में यह अभिक्रिया की एंथैल्पी मानी जाती है। इसी प्रकार एक और एंथैल्पी के बारे में हम जानेंगे, अणुभंजन की एंथैल्पी, या इसे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं या कणन की एंथैल्पी भी कहा जाता है। अणुभंजन की एंथैल्पी को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जो द्विपरमाणु यौगिक होते हैं उसमें एक मोल अणु से गैसीय अवस्था में परमाणु प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाएगी कणन की एंथैल्पी। इसका अर्थ यह है कि जो अणु है जब वह परमाणु की स्थिति में परिवर्तित होता है तो उस दौरान जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसे हम अणुभंजन की एंथैल्पी कहेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का एक अणु है तो वह H2 फॉर्म में लिखा जाएगा, तो H2 जो गैशियस फॉर्म में है वह परिवर्तित होता है 2H यानी परमाणु अवस्था में। तो यहाँ पर यह भी गैशियस स्टेट में दो परमाणु प्राप्त हुए एक हाइड्रोजन अणु से, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उसे हम डेल्टा ए एच से दर्शाते हैं। तो इसका मान प्राप्त होता है 435 किलोजूल पर मोल। तो चूंकि यहाँ पर एक अणु से परमाणु अवस्था प्राप्त हुई है तो यहाँ पर बंध वियोजन हो रहा है, तो बंध वियोजन ऊर्जा है जो कि अणुभंजन एंथैल्पी के बराबर होगी। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं मेथेन से संबंधित। यहाँ CH4 परिवर्तित होता है C+4H में, तो यहाँ भी यह परमाणु अवस्था में परिवर्तन हुआ यानी कार्बन का परमाणु और हाइड्रोजन के चार परमाणु अलग हो गए। यहाँ पर जो बंध वियोजन का मान है वही अणुभंजन की एंथैल्पी कही जाएगी। अब हम देखेंगे सोडियम जो सॉलिड स्टेट है, सोडियम गैस में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया में जो सॉलिड पदार्थ होते हैं वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। सॉलिड सोडियम से गैशियस स्टेट में सोडियम प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो अणुभंजन की एंथैल्पी प्राप्त होगी वह ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी के बराबर होगी क्योंकि ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। तो ये जो मान है वो प्राप्त होता है डेल्टा ए एच बराबर 108.4 किलोजूल पर मोल। तो ये अणुभंजन की एंथैल्पी है जो कि ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी के बराबर है। तो यहाँ हमने तीन उदाहरण देखे, हाइड्रोजन का मेथेन अणु के लिए और सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है इसके लिए। तो तीनों ही अवस्थाओं में हमने ये देखा कि जब अणुभंजन की एंथैल्पी है वह बंध वियोजन एंथैल्पी के कब बराबर हो गई, अणुभंजन की एंथैल्पी के बराबर ही है, और अणुभंजन की एंथैल्पी यहाँ पर जब ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी के इक्वल हो जाती है। तो ये तीनों उदाहरण से हमने समझा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बंध टूटते हैं और बंध बनते हैं, तो जब भी कोई बंध टूटना होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब भी कोई बंध बनता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये हमने कई बार देखा। तो ऊष्मागतिकी पद में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे हम, या जो बंध ऊर्जा का मान है उसे हम दो अलग अलग पदों में समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पर आबंध वियोजन एंथैल्पी और दूसरा है औसत आबंध एंथैल्पी। तो जो बंध से संबंधित एंथैल्पी है उसे हम दो अलग अलग पदों में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आबंध वियोजन एंथैल्पी। आबंध वियोजन एंथैल्पी का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो अणु अवस्था से हम पहुँचेंगे परमाणु अवस्था में, परिभाषित कर सकते हैं किसी भी गैसीय सहसंयोजक अणुओं के परमाणुओं के मध्य उपस्थित आबंधों के टूट कर, जब आबंध टूटते हैं तो उनके टूटने पर गैसीय उत्पाद बनने में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को आबंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण देख लेंगे H2 से 2H का बनना। तो H2 एक अणु है, गैसीय अणु है जो कि 2H में मतलब दो अलग अलग परमाणु में परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पर HH बंध टूट रहा है, तो बंध वियोजन ऊर्जा है।
तो बंध वियोजन ऊर्जा है, चूंकि यहाँ बंध टूट रहा है तो ये जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा इसे हम आबंध वियोजन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी या हम इसे अणु भंजन की एंथैल्पी के बराबर भी मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमने यही देखा था कि किस प्रकार गैसीय अणु परमाणु अवस्था में जब परिवर्तन होते हैं तो जितनी ऊर्जा उसके लिए आवश्यक होती है, तो अणु भंजन के एंथैल्पी के फॉर्म में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी कभी H2 से 2H बनता है तो डेल्टा एच नॉट, यहाँ एच एच लिखा है जो कि एच एच बंध के टूटने के यानी बंध वियोजन एंथैल्पी को दर्शाता है, यह मान प्राप्त हुआ 435 किलो जूल पर मोल। तो जो आबंध वियोजन ऊर्जा है वह बराबर होता है आबंध ऊर्जा के, और इसको हम बराबर मान सकते हैं अणु भंजन की एंथैल्पी के या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के। ऊष्मागतिकीय अध्ययन में जो नेक्स्ट पद है वो है औसत आबंध एंथैल्पी। कई बार हम बहु परमाणु अणु देखते हैं जैसे कि मेथेन, तो ऐसा लगता है कि कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, इनसे मिलकर के एक मेथेन बना। CH4 में जो सभी चार बंध है C और H के बीच बनने वाला, यहाँ देखिए CH, CH, CH और CH, तो इस तरह से सभी एक समान दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ पर भी कुछ न कुछ डिफरेंस होता है जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं। तो बहु परमाणु अणुओं में एक ही प्रकार के जो सभी बंध है उसकी आबंध ऊर्जा अलग अलग होती है, तो इसे हम औसत आबंध ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो उदाहरण हमने लिया है वह है मेथेन। तो सबसे पहले देखिए CH4 जब विभक्त हो रहा है एक ही बार में वो 4H या 1C में परिवर्तित यहाँ पर नहीं होता है। जब हम CH4 का वियोजन देखते हैं तो CH4 दो पार्ट में वियोजित हुआ, सबसे पहले मेथिल मूलक और दूसरा हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना। तो यहाँ पर मेथिल मुक्त मूलक प्लस हाइड्रोजन मुक्त मूलक, तो इस दौरान जो डेल्टा एच का मान है 427 किलो जूल पर मोल प्राप्त हुआ। अब चूंकि CH3 मुक्त मूलक है, अब वह CH3 परिवर्तित होगा CH2 मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक में, तो इसके लिए जो डेल्टा एच का मान है वो देखिए 439 किलो जूल पर मोल है। वही बंध है CH4 के जो अलग अलग CH बॉन्ड है वो ऐसे देखने में एक समान है, लेकिन सभी के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो देखिए भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर CH2 जो मुक्त मूलक है वह परिवर्तित होगा CH मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक में, तो यहाँ डेल्टा H नॉट जो है वो प्राप्त होता है 452 किलो जूल पर मोल। इसके बाद CH मुक्त मूलक परिवर्तित होता है C और H में, तो C मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक, तो यहाँ पर डेल्टा H का जो मान है वो प्राप्त हुआ 347 किलो जूल पर मोल। तो आप देखिए चारों ही स्थान पर जो डेल्टा एच का मान है वह अलग अलग प्राप्त हुआ है। तो जब हम CH4 से 4H और C का बनना देखते हैं तो CH4 टूटता है और C प्लस 4H बनता है, तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन एंथैल्पी को यदि हम देखें तो डेल्टा ए एच नॉट के रूप में लिखा गया है, यह मान प्राप्त होता है 1665 किलो जूल पर मोल। तो ये मान जो है ये यहाँ पर कुल जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह है, लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात करना है औसत आबंध एंथैल्पी। औसत आबंध एंथैल्पी को हम ज्ञात कर सकते हैं जैसे CH4 में CH आबंध की औसत आबंध एंथैल्पी बराबर होगा डेल्टा CH, चूंकि यहाँ CH के लिए बात हो रही है, CH बंध की बात हो रही है, तो डेल्टा CH H नॉट इक्वल टू 1/4, यहाँ पर 1/4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि औसत हमें निकालना है, तो 1/4 यहाँ डेल्टा ए एच नॉट CH4, तो ये जो मान है वो प्राप्त हुआ है 1/4 गुणा 1665 बराबर प्राप्त होता है मान हमें 416.25 किलो जूल पर मोल। तो इस प्रकार हम किसी भी दूसरे बहु परमाणु अणु के लिए औसत आबंध एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार उस बहु परमाणु अणु में चूंकि सभी बंध देखने में एक जैसे हैं
सी एच बॉन्ड सभी एक समान है, लेकिन उसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा का मान है वह अलग अलग प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में हम औसत आबंध एंथैल्पी की गणना इस नियम के आधार पर कर सकते हैं।